पहले इतना हम लोग चल के आए 5-6 घंटा, 2 मिनट भी हमको दर्शन करने नहीं मिले जरा भी। अरे इस घोड़े के पैर ऐसे एकदम मुड़ जाते हैं तो घोड़े लोग फिसल जाते हैं। हमने देखा एक घोड़ा गिर भी गया था। क्योंकि घोड़े लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप खुद से आइए या फिर थोड़ा पैसा खर्चा करके आप पालकी में आइए। अभी और 1 किलोमीटर बाकी है। मेरा ये सेकेंड ट्रैक है लाइफ का। वैष्णो देवी किया था, मुझे पता भी नहीं चला 10-12 साल पहले, एंड नाउ ऑलरेडी गिव अप कर चुकी हूँ मैं। 3,200 फीट ऊपर जाना है। अभी मैं जरा सा ही चढ़ के आई हूँ, हैबिट एकदम छूट गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं हाफ रही हूँ ऑलरेडी। तो देवर टेलिंग कि ऊपर और नीचे आने में आपको 4-5 घंटे आराम से लग जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस 4 धाम की यात्रा के Day 3 के व्लॉग में। सो अभी हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 5:30 हो गए एंड अब लोग रेडी भी हो गए। सॉरी जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए एंड जो लोग पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक इंट्रोडक्शन वापस। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वाले इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड व्लॉग्स मिलेगा। सो आज Day 3 है एंड जिन लोगों ने मेरा Day 1 एंड Day 2 का व्लॉग नहीं देखा है तो आप चाहे तो पहले वो देख लें एंड फिर Day 3 का व्लॉग देखें, जैसे आपको जमे वैसे। तो आज हम लोग का 4 धाम का फर्स्ट धाम यानी यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होगी एंड अभी हम लोग ब्रेकफास्ट शायद पैक करवा के निकल जाएंगे। एंड जैसे मैंने सुना है नीचे कल होटल में भी लोग मिले थे जिनका यमुनोत्री धाम ऑलरेडी हो गया, तो देवर टेलिंग कि ऊपर और नीचे आने में आपको 4-5 घंटे आराम से लग जाएंगे अगर आप लोग पैदल चल के जा रहे हो। बाकी अगर हॉर्स लिया या फिर पालकी लिया तो कम टाइम लगेगा। तो हम लोग तो चल कर जाएंगे, मैं, विक्की और मेरी सिस्टर। मम्मी के लिए हम लोग पालकी करेंगे, बाकी की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे हॉर्स के क्या चार्जेस है, पालकी के क्या चार्जेस है एंड कितना टाइम लगा, क्या चैलेंजेस हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग तो अभी कुछ 8 बज गए एंड हम लोग यमुनोत्री धाम पहुंच गए। जैसे मैंने बताया 4 धाम का पहली यात्रा यमुनोत्री धाम से ही शुरू होती है, जहाँ से यमुना रिवर ने फ्लो, मतलब यहाँ से ही उनका शुरू होता है, मतलब बोलते हैं सोर्स ऑफ द यमुना नदी इज यमुनोत्री धाम। अभी हम लोगों को ऊपर कुछ अराउंड 3,200 फीट ऊपर जाना है। अभी मैं जरा सा ही चढ़ के आई हूँ, हैबिट एकदम छूट गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं हाफ रही हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे जाने के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास, आप वॉकिंग जा सकते हो, 4 ऑप्शन है वॉकिंग, उसके बाद सबसे सस्ता होता है खच्चर यानी कि घोड़े पे बैठ के जाना है, तो घोड़े पे दोनों साइड का आपका 2,500 रुपये लगते हैं। उसके बाद है पिट्ठू, वो आपको अपने कंधे पर लेकर जाते हैं, कंधे पे आपको 5,000 देना पड़ता है ऊपर जाने का और नीचे आने का। उसके बाद है पालकी, जिसका आपको 8,000 रुपये लगता है ऊपर जाना और नीचे आना दोनों। तो अभी मैं थोड़ा और रास्ते में बताती हूँ क्योंकि मैं खुद ही ज़्यादा सा थक रही हूँ, मतलब अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, मतलब हार्डली मैं 5-10 कदम चल के आई हूँ, बट पता नहीं नर्वस हो रही हूँ मैं शायद थोड़ा सा ज्यादा। तो चलिए अब ऊपर चल के बताती हूँ। सही घोड़ा चाहिए भैया, घोड़ा घोड़ा नंबर का घोड़ा है भैया। तो हमने 8:05 को शुरू किया था एंड अभी 9:45 हो गया एंड 2 किलोमीटर ही हुआ है एंड हालत टाइट है, मतलब इतना नहीं, मेरी छोटी वाली बहन थोड़ा ज्यादा थक रही है तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा ज्यादा रुक रहे हैं। अभी हम लोग ने यहाँ पे ऐसे ब्रेक लिया था, जो होटल से ब्रेकफास्ट मिला था पोहा मैंने वही लाइट खाया है, अमूल कूल लिया है, वो पी के थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो कुछ एनर्जी ड्रिंक, कुछ मीठा पीने के लिए रहेगा तो आपको उससे एनर्जी मिलेगा। यहाँ पे फिर आलू पराठा मैगी वगैरह अवेलेबल है, फिर इन लोग बोलते हैं फिर डायरेक्टली ऊपर मंदिर में ही मिलेगा खाने के लिए, जो भी है आप लोग अपना कैरी कर रहे हो तो खा सकते हो। और हम लोग ना एकदम मतलब कहीं तो एकदम नीचे से आ रहे हैं अगर आप देखोगे तो। फिर बाकी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे घोड़े के लिए भी रास्ता यही है, पिट्ठू के लिए भी रास्ता यही है, पालकी के लिए भी रास्ता यही है, वॉकिंग के लिए भी रास्ता यही है एंड रास्ते एकदम छोटे छोटे हैं, मतलब उसकी वजह से ज्यादा थक जाता है, कहीं से घोड़ा आ रहा है कहीं से पालकी आ रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, अगर आप लोगों में ताकत है तो आप कोशिश कीजिए चल कर आइए या फिर पालकी लीजिए। मतलब घोड़े का ऐसा है कि घोड़े का पैर वगैरह स्लिप हो जाता है, मतलब आप देखोगे यहाँ पे चिक्कल वगैरह बहुत ज्यादा है, मतलब मैं प्रिफर नहीं करूंगी या रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि घोड़े लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप खुद से आइए या फिर थोड़ा पैसा खर्चा करके आप पालकी में आइए तो वो ज्यादा बेटर है, मतलब तो आपको
मतलब मेरे को कुछ ज्यादा नहीं बोला, इतना ही। आप खुद आओगे तो आप घोड़े का कंडीशन देखोगे तो आपको पता चलेगा। या रस्ते में आया तो वही बताऊंगी। पिट्ठू वालों लोगों को भी बहुत तकलीफ है, मतलब अपन अपना खुद का वजन नहीं उठा पाते एंड उन लोग मतलब वो अपना भी वजन उठाते हैं, मतलब कितना भारी लगता है। बच्चे लोगों के लिए ठीक है या सामान के लिए आप कर लो, बाकी ऐसे खुद ही चलकर आओगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए अब ऊपर पहुँच कर कनेक्ट करते हैं फिर से। अभी और 1 किलोमीटर बाकी है। मेरा ये सेकेंड ट्रैक है लाइफ का। वैष्णो देवी किया तो मुझे पता भी नहीं चला 10-12 साल पहले, एंड नाउ ऑलरेडी गिव अप कर चुकी हूँ मैं। विकी से वही बोल रही थी, केदारनाथ में अगर हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो चढ़ाई नहीं होगी, पालकी या कुछ करेंगे। अभी यहाँ से बोलते कि और 1 घंटा जितना लगेगा, जितना ऊपर आप लोग आते हो उतना बैग आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है। घोड़े का रेट और कम, मतलब यहाँ से 150-200 रुपये में घोड़े मिल जाते, बट बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। पालकी तो नहीं मिल रही, मतलब पालकी में जो लोग आए थे वो लोग जा रहे हैं, बट घोड़ा पता नहीं क्यों घोड़ा बीच में खाली हो जाता है। यहाँ से सस्ता मिलेगा, बट मैंने जैसे बताया रिस घोड़े के पैर ऐसे एकदम मुड़ जाते हैं तो घोड़े लोग फिसल जाते हैं। हमने देखा एक घोड़ा गिर भी गया था। और कुछ नहीं, किसी ने ये वीडियो यहाँ तक, जिन लोगों ने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो जय यमुना मैया की लिखना ना भूलिए प्लीज। भीड़ तो कंटिन्यू ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम है, कंटिन्यू। और रास्ते इतने छोटे छोटे हैं ना, मतलब वही रास्ते से आपको चढ़ रहा है, वही रास्ते से पालकी फटाफट ऐसे उतर रही है, मतलब आपको हर जगह पे ध्यान देना। बैठने के लिए बहुत सारी सुविधा है, खाने पीने की बहुत सारी सुविधा है, बट आपको हेल्दी रहना पड़ेगा यहाँ पर अगर ट्रैक करने आना है तो। चलिए अब 1 घंटे बाद ऊपर मिलती हूँ। सभी फाइनली देखो मंदिर हम लोगों को दिख रहा है, जो रेड कलर का एंड ऑरेंज कलर का आपको यहाँ से दिख रहा होगा। मतलब अभी ऑलमोस्ट शायद 10-15 मिनट की दूरी पे हम लोग खड़े हैं। बीच में बारिश भी हो गई थी, हम लोग ने रेनकोट वगैरह पहना, बैग काफी हैवी लग रहा है। अभी कम है बट बारिश हो रही थी, ऊपर आने पर बारिश थी। यहाँ पे देखो ऊपर नेचुरल वाटरफॉल, मतलब ऊपर ठंडी काफी है। एंड मतलब अभी यात्रा ये यमुनोत्री की तो हमारी खत्म होने वाली है। अभी उधर पहुंच के मैं आपको वहाँ का व्यू बताती हूँ। गर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा, बीच में 2-3 जगह जाम लग गया था, इस वजह से हम लोगों को खड़े भी होना पड़ गया करके। एंड अभी बस थोड़ा टाइम और है, 10-15 मिनट में मैं भगवान के मंदिर में पहुँच जाऊँगी। चलिए मंदिर के यहाँ हम लोग पहुंच गए और बहुत ही हालत खराब है। शूज निकालने के बाद नीचे इतना ठंडा लग रहा है कि पैर रखा नहीं जा रहा है। वहाँ पे एक एरिया में मतलब एकदम गर्म जैसे, मतलब वहाँ पे आपको गर्म नहीं लग रहा, जैसे ये मंदिर है यमुनोत्री मंदिर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जय यमुना मैया की लिखना जरूर, मतलब जरूर लिखना। एंड वो वहाँ पे जो भीड़ देख रहे हो ना, प्रसादी में मुट्ठी में चावल लेके आओगे कपड़े में बांध के, तो उन लोगों ना वो गर्म पानी में मतलब 1 सेकंड में वो चावल पक जाता है। एंड ऐसा मान्यता है कि वो चावल को फिर सुखा के घर पे आपके कोई भंडारा हो रहा है, कोई शादी विवाह हो रहा है, शुभ काम में वो एक एक दो दो दाना आप ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा तपकुंड होता है यमुनोत्री में, मतलब ये पानी इतना नॉर्मल है कि लोग जाके यहाँ पे आराम से स्नान कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो, आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो आप लोग यहाँ पे जरूर जा सकते हो। मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, इतना हम लोग चल के आए 5-6 घंटा, 2 मिनट भी हमको दर्शन करने नहीं मिले जरा भी। एंड ऊपर बहुत ज्यादा ठंडी है, मतलब ये तो रेनकोट की वजह से कवर हो गया बट पैर में बहुत हालत खराब हो गए। तो अभी हम थोड़ी देर में नीचे उतरेंगे, फिर नीचे पहुंच के अभी कनेक्ट करती हूँ मैं। सो नीचे उतरते वक्त मैं कुछ बता नहीं पाई क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा नी प्रॉब्लम है। एंड मतलब चढ़ते वक्त भी नी प्रॉब्लम हो रहा था एंड उतरते वक्त तो और ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। हम लोग ने सुबह 8:03 को शार्प चालू किया था एंड नीचे आते आते हमको 6 बज गए ऑलमोस्ट, तो समझो आप 10-10.5 घंटे हो गए। मतलब आपको अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिटनेस, मतलब नी इशू या बैक पेन वगैरह नहीं है, तो मैक्सिमम आप 8 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। बट 6 घंटे का जो ट्रैक है यमुनोत्री का, मतलब
6 किलोमीटर सॉरी 6 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो 1 किलोमीटर के लिए आप 1 आवर आराम से पकड़ सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंक्लाइन है, मतलब स्ट्रेट रास्ता है ना, मतलब हार्डली 1% होगा 6 किलोमीटर के अंदर, बाकी पूरा रास्ता ऐसा है। नीचे उतरने के टाइम भी ऐसा, नीचे उतरने के टाइम भी आपको कितनी बार ऊपर चढ़ना है एंड देन नीचे उतरना है, तो द ट्रैक वॉज नॉट सो ईजी। अगर आप लोग हाँ ट्रैक बहुत कर चुके हैं तो फिर किसी मतलब जो ट्रैक करते रहते हैं रेगुलरली उनके लिए ये डिफिकल्ट नहीं है, बट जो नॉर्मल है मेरी तरह मतलब जो कभी ट्रैक नहीं करते उनके लिए ये एक्चुअली डिफिकल्ट है। तो आप लोग पालकी इज द बेस्ट मुझे ऐसे लगता है, बाकी पिट्ठू पे तो बहुत ज़्यादा वो सामने वाले के ऊपर वजन आता है, एंड घोड़ा तो मैं अपने एंड से तो मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करूँगी घोड़े के लिए, एंड प्राइसिंग वगैरह तो मैंने आप लोगों को सब बता दिया। एंड डे 3 में मतलब अभी फिलहाल और कुछ नहीं, हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए थे, मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अपनी मेडिसिन सारी कैरी करनी है, एंड ऊपर जाते हैं तो अम्ब्रेला एंड यू नो स्वेटर सब कुछ ही लगता है, मतलब बारिश भी हो रही है ठंडी भी हो रही है, आपको हर एक अपनी ज़रूरत का सामान अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। सो अभी अगर आपने ये ब्लॉग पूरा देखा है तो प्लीज़ इस ब्लॉग पर जय यमुना मैया की जय लिखना ज़रूर, मतलब ज़रूर लिखना, एंड अगर आपने ये ब्लॉग पूरा देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मेरे चार धाम का मतलब आज डे 3 का एंड हो रहा है, बाकी और मैं मतलब कल हमारा उत्तरकाशी जाने का प्लान है, तो वो उसकी आइटनरी एंड उसका डिटेल्स मैं कल शेयर करूंगी। अभी तक आपने मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कविक्स वर्ल्ड ये सेम नाम से आप लोग मुझे दोनों जगह पे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का। तो कल मिलते हैं हम लोग सर।